Hello, doctor. Hello, hi, how are you? I am good, doctor. How are you doing? I'm good, how are you? I'm good too, doctor. So, doctor, today we are talking about the vaccines. वैक्सीन्स के बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे सवाल हैं लोगों के दिमाग में. अलग-अलग वैक्सीन्स हैं, उनमें से कौन सा वैक्सीन चुने, कौन सा वैक्सीन वर्क करता है. विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट एंड आई एम श्योर लॉट्स ऑफ आवर व्यूअर्स विल बी हैविंग क्वेश्चंस रिगार्डिंग द सेम. सो व्हाट इज योर टेक ऑन वैक्सीनेशन इन द फर्स्ट गो, डॉक्टर? देखो, वैक्सीन किसी भी चीज के बारे में अगर वैक्सीन बनती है तो वो आपके प्रोटेक्शन के लिए बनती है, चाहे कोई भी हो। तो मेरे हिसाब से कोविड की वैक्सीन लेना एक बहुत जरूरी स्टेप है आपके लिए। तो आप सभी को आपको आवाज आ रही है? पहली बात, हाँ, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी. आवाज आ रही है, थोड़ी थोड़ी अगर तेज हो तो इट विल बी बेटर. हाँ, तो मैं सनीज कह रही है शी कांट हियर. वही सुन रहा था। अभी ठीक है? हाँ, एनीवन एल्स हु कैन हेल्प अस? मुझे तो आवाज आ रही है, अगर आप लोगों को नहीं आ रही है बट आई थिंक वी कैन कंटिन्यू राइट नाउ. किसी और ने कोई शिकायत नहीं की अभी तक. जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि ये देखा गया है कि जहां जहां वैक्सीन हो रही है, जिन जिन की वैक्सीन हो गई है उनके जो चांसेस ऑफ सर्वाइवल वो ज्यादा है, राइट. एंटीबॉडी टाइटर्स अगर उनके आ जाते हैं, ये भी एक सवाल पैदा होता हाँ, है। वन तो अगर उनके एंटीबॉडीज कम या रवाज कम आ रही है उनको, थोड़ा चेंज मोर. कर। हाँ, हमारा सवाल है वैक्सीन का। सबसे पहले ये समझ लो कि वैक्सीनेशन जितने लोगों ने कराई है उतने लोगों में वैक्सीन के वजह से एंटीबॉडीज सबको नहीं बनते। हाँ तो एवरीबडी शुड नॉट थिंक कि वैक्सीन लग गई तो इट इज लाइक अ फुल प्रूफ थिंग। प्रोटेक्शन डिपेंड्स अपॉन अ लॉट ऑफ फैक्टर, मगर राइट वैक्सीन लगाना उससे आपका प्रोटेक्शन लेवल बढ़ जरूर जाता है। तो डेफिनेटली आपको एक लेवल ऑफ प्रोटेक्शन जरूर बढ़ जाता है। एंड इन दिस काइंड ऑफ एरा जब कोविड किसी को भी अफेक्ट कर सकता है, किसी को भी हैवीली डिजीज कर सकता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अगर एक लेवल ऊपर का प्रोटेक्शन भी मिल रहा है तो कोई बड़ी बात, कोई बुरी बात नहीं है। तो बिल्कुल इसलिए वैक्सीन जरूर लगाना चाहिए, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि वैक्सीन लगाने के बाद आपको बीमारी नहीं होगी। इट इज नॉट कंपल्सरी कि बीमारी सीरियस नहीं होगी। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट फैक्ट ऑल्सो। ओके, यस यस सो डॉक्टर विवेक सिंह हांडा है यहाँ पर. वो कह रहे हैं उनको 1 महीने पहले कोविड हुआ था, अब एंटीबॉडीज उनकी 16% है. वैक्सीन लेने में उनको कब जाना चाहिए? 1 महीना अगर हो चुका है तो वैक्सीन लेने जा सकते हैं। तो टेक्निकली हम लोग नॉर्मली इसमें दो प्रकार की इम्यूनिटी होती है। एक होती है नेचुरल इम्यूनिटी, बेसिकली कोविड होने के बाद आपको जब इन्फेक्शन हो जाता है उसकी वजह से आपके अंदर जो एंटीबॉडीज बनते हैं, दो दर नेचुरल इम्यूनिटी। और एक होती है हमारी जो वैक्सीन के बाद हमें इम्यूनिटी आती है, वैक्सीन के बाद जो एंटीबॉडीज बनते हैं। तो जो बेस्ट प्रोटेक्शन बोला गया है, बेस्ट प्रोटेक्शन उसको मिलता है जिसके अंदर नेचुरल इम्यूनिटी भी है और साथ में वैक्सीन भी लगा हुआ है। दोनों के दोनों अगर आपके साथ है, दोनों वैक्सीन लगे हुए हैं, तो दोनों आपको बेटर प्रोटेक्शन देंगे, बेटर 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 चांसेस ऑफ सर्वाइवल देंगे। ठीक है, वो चीज है। इट इज समथिंग लाइक अगर आपने किसी एक दुश्मन से कभी पाला नहीं पड़ा, कोई जानवर से पाला नहीं पड़ा, आपको नहीं पता उस जानवर को हैंडल कैसे करना है। तो एक बार जब उस जानवर को आप हैंडल कर लेते हो तो आपको आइडिया आ जाता है कि उसको हैंडल कैसे करना है। और सेकेंड, अगर उस जानवर को हैंडल करने के लिए आपको कोई ग्लव्स दे देगा, कोई प्रोटेक्शन ट्रिक किट दे देगा, तो उससे गारंटी नहीं हो जाती कि भाई वो जानवर आपको हानि नहीं पहुंचाए। आएगा ही नहीं. हाँ, एक लेवल ऑफ प्रोटेक्शन बढ़ जाता है कि मे भी कुछ हद तक आप बच जाओगे कि आपके हाथ को नहीं बिल्कुल काटेगा, आपको ये नहीं काटेगा, फिर भी कुछ
इसका मतलब तो ये नहीं कि कोई जानवर को आप जाके जफ्फी पालोगे और बोलोगे कि भाई गले में नहीं काटेगा। तो इसी को आपको एग्जाम्पल के तौर पर लेना पड़ेगा कि नेचुरल इम्यूनिटी इज ऑलवेज बेटर। एक बार जब आपका उससे पाला बढ़ जाता है और आपकी बॉडी उससे 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 निकल जाती है, तो वो नेचुरल इम्यूनिटी इज ऑलवेज ऑलवेज बेटर देन एनी वैक्सीन इन द वर्ल्ड। लेकिन नेचुरल इम्यूनिटी झेलने के लिए आपको उसको उस बीमारी को उस वायरस को उस चीज को झेलना पड़ता है। तो एवरीबडी कैन नॉट अज्यूम उस बीमारी को झेलते हुए वो एसिम्प्टोमेटिक होंगे या नॉर्मल रहेंगे या बहुत कम बीमारी होगी, किसी को ज्यादा बीमारी भी हो सकती है। इसके लिए ऐसी चीजों को बचाने के लिए वैक्सीन बनती है, जैसे हम ट्रेनिंग करते हैं, है ना, किसी को वो ट्रेनिंग दी जाती है तो वो ट्रेनिंग को वैक्सीन कहते हैं। दोनों ही वैक्सीन जो है एक बराबर मान के चलिए, चाहे वो तीन चार वैक्सीन जितने भी नाम आपने सुना है, इसमें 19-20 का फर्क है। 19-20 का फर्क है मतलब इट इज जस्ट अबाउट, जैसे आप क्रिकेट खेलने जा रहे हैं और पैड कौन सी कंपनी का पहन रहे हैं, मेरे पास एडिडास का है और मेरे पास दूसरी कंपनी ये थोड़ा सा बड़ा है, इसमें 1 इंच का गैप ज्यादा है तो मेरा जो 1 इंच और घुटना बच जाएगा, उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब है कि कोई ना कोई पैड होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्रिकेट फील्ड में उतरते हैं तो वो जरूरी है। तरुण कुमार हैं जो कह रहे हैं कि उन्होंने पहला डोज लिया है और उसके बाद उनको बहुत ज्यादा वीकनेस और फीवर हो रहा है, तो 1 या 1.5 दिन तो कॉमन माना जाता है, लेकिन अगर ये फीवर लास्ट फॉर लॉन्ग तो इज इट समथिंग अलार्मिंग? या इट इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जहां पर भी ज्यादा लोग जाते हैं वैक्सीन लगाने वहां पर इंफेक्शन का रिस्क होता है। तो अगर आप वहां पे अपना प्रोटेक्शन लेवल आपने कम कर दिया, यानी अगर आपने वहां पे अपने प्रिकॉशंस नहीं लिए, तो चांसेस हैं कि आपको वहां पर वैक्सीन के साथ साथ इन्फेक्शन भी हो जाएगा, इनोक्यूलेशन भी हो जाएगा। तो अगर ऐसा हो रहा है तब फिर दिक्कत क्या हो जाती है कि आपको बुखार आ सकता है और वो बुखार जो है दो चार दिन के बाद भी आ सकता है। बिकॉज वैक्सीन से अगर बुखार आएगा तो सेम डे 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद आ जाएगा वैक्सीन की वजह से, लेकिन अगर बीमारी से आएगा वायरस से जाएगा तो वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड है वो 2 दिन से लेके 2 हफ्ते तक हो सकता है। तो वैक्सीन लेने के बाद अगर किसी को 1 हफ्ते बाद बुखार आ रहा तो वो वैक्सीन की वजह से नहीं है, 2 हफ्ते बाद आ रहा है तो वैक्सीन की वजह से नहीं है। अगर वैक्सीन लेने के अगले दिन या दूसरे दिन आ रहा है तो ज्यादा चांसेस हैं कि वो वैक्सीन की वजह से। अब ऐसे समय पे कई बार लोगों को मल्टीपल टाइम्स जाना पड़ता है, 1 दिन गए रजिस्ट्रेशन करने, आज नहीं कल आओ कल लगेगी वैक्सीन, फिर बोले चल कल और परसों आओ, पहले दिन जाके वो वैक्सीन ले आए ना वायरस ले आए थे, फिर 2 दिन के बाद वो वैक्सीन लगाए, फिर उसके बाद उनको बुखार आया। अब वो वायरस की वजह से है कि वैक्सीन की वजह से किसको पता नहीं पता। तो इसमें ये बोला जाता है कि वैक्सीन की वजह से जो फीवर आएगा एक तो बहुत हाई ग्रेड फीवर नहीं होगा, 101 क्रॉस नहीं करेगा। अगर आपका हाई ग्रेड है तो हम इसे वायरल फीवर मानेंगे। नंबर 2, वो 24 to 48 आवर्स से ज्यादा नहीं रहेगा। मतलब एक बार टूट जाने के बाद, एक होता ना हम कहते हैं फीवर टूट जाएगा, फीवर टूटा टूटा मतलब पूरा, उसके बाद हमने दवाई दी या खुद ही वो पानी वानी पीने से कम हो गया, एक बार फीवर टूट गया उसके बाद नहीं आएगा। तो वैक्सीन के वजह से जो फीवर होता है उसका ये कॉन्सेप्ट है, अगर बार बार फीवर आ रहा है तो मोस्ट लाइकली वायरस आपके अंदर गया है। विवेक सिंह हांडा पूछ रहे हैं, पोस्ट कोविड व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटीबॉडीज दैट शुड बी फॉर्मड इन द बॉडी एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक? देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटीबॉडीज का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इट इज जस्ट लाइक कि चोरी होने के बाद बैंक में कितने गार्ड खड़े होने चाहिए, तो चोरी होने के बाद ऐसा कोई मैक्सिमम नंबर तो है नहीं, तो आपकी मर्जी, आपकी आपकी श्रद्धा, आप 10 गार्ड खड़े कर दो या 50 कर दो या 1 के ऊपर खड़े कर दो, मुझे क्या लेना देना। तो द पॉइंट इज कि कितनी एंटीबॉडीज हैं, ठीक है, इसका मैक्सिमम नंबर ये नहीं बता सकते, कब बनेगी एग्जैक्टली नहीं बता सकते, बट कब से कब तक एवरेज बनती है एक अंदाजा है।
कम से कम मान लीजिए 2 हफ्ते लगते हैं, 1 to 2 weeks लगते हैं बनना शुरू होने में, और 4 हफ्ते के बाद हम मान सकते हैं ठीक ठाक एंटीबॉडी बन जाएंगे, और कई लोगों के आगे भी बनते रहते हैं 4 हफ्ते, 6 हफ्ते, 8 हफ्ते। इसीलिए आपने देखा होगा जो कन्वर्सलेंट प्लाज्मा बोलते हैं उसको लेने के लिए इन्फेक्शन के बाद वो कहते थे कि 1 महीना 2 महीना जिसका हो गया है उसका फिर प्लाज्मा लेंगे। तो एंटीबॉडीज इसीलिए ये बोलते हैं वैक्सीन लगने के बाद भी 2 हफ्ते का टाइम मिनिमम मान के चलिए, जब आपके अंदर एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी बनेंगे कि भाई आप बचोगे, उसमें भी 80-90% चांस है कि बनेंगे, 10% फिर भी चांस होते हैं कि शायद ना बने। ठीक है, सो डॉक्टर एंटी, यहाँ पर एक और हमारे व्यूअर हैं जो पूछ रहे हैं कि अगर हमने वैक्सीन ले लिया उसके बाद क्या एंटीबॉडी टेस्ट करना चाहिए कि वैक्सीन बने, सॉरी एंटीबॉडीज बनी है या नहीं? करना तो चाहिए कायदे से, कायदे से करना तो चाहिए, लेकिन वो दोनों डोज के बाद, सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीन के आप 4 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद आप टेस्ट कराओ। अगर आपके एंटीबॉडी अच्छे बन गए हैं तो आपको अगले 2-3-4 महीने के लिए प्रोटेक्शन मिल गया। अगर आपके एंटीबॉडी नहीं बने तो आप दूसरे टाइप की वैक्सीन ले लो। आपने कोविशील्ड ली, आप 1 महीना रुके, आपने एंटीबॉडी टेस्ट कराया, एंटीबॉडी नहीं है या बहुत कम है, तो आप कोवैक्सीन ले लो अब, है ना। तो फिर कोवैक्सीन का फर्स्ट डोज लेना चाहिए या सेकंड डोज? फर्स्ट डोज, उससे भी 2 डोज लेंगे ना आप। अभिषेक है इंस्टाग्राम पर जो पूछ रहे हैं, I'm getting to hear that the second dose of Covishield will be stopped by IG. Is that true? I don't know भाई, ये क्या, देखो हर एक का अपना अपना हिसाब है। वैक्सीन बनाने वाले ने अपना रिकमेंडेशन बनाया कि भाई मैंने 2 डोज दिया तो एंटीबॉडी ज्यादा बने। फिर कुछ लोगों ने अपना हिसाब किताब बनाया कि 1 डोज के बाद भी प्रोटेक्शन मिल रहा है, भैया कुछ तो मिल रहा है, तो वो फिर सोचते हैं कि हमारे पास में वैक्सीन कम है तो 1 डोज के बाद 60-70% प्रोटेक्शन मिल रहा है, लोगों के पास 0% प्रोटेक्शन है, ऐसा करो 60-70% बांटते फिर एक ही डोज दो। तो अब गवर्नमेंट के चक्कर में या नहीं होने के चक्कर में क्या डिसाइड होगा ये अलग बात है, और एक्चुअल वैक्सीन के मोस्ट इफेक्टिव डोसेज क्या है वो अलग बात है। हो गए, हम जब कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो एक वैक्सीन के आधार पे लेने के बाद कितने परसेंटेज में आपके इम्यून सिस्टम में एंटीबॉडी बनेंगे वो मायने रखता है और कुछ मायने नहीं रखता। ओके सेम सैनी नीरज यहाँ पे कह रहे हैं, इन्होंने वैक्सीन पिछली बार लिया था 20 अप्रैल को और उन्होंने इसके बाद देखा तो एंटीबॉडीज वर नॉट फाउंड, तो वही आपने इसका जवाब दे दिया है, सो ही हैज टू डू द वैक्सीनेशन अगेन विद अ डिफरेंट वैक्सीन। डिफरेंट वैक्सीन लीजिए, वैक्सीन आपके काम नहीं आएगी। अच्छा, अब ये सेकंड डोज वाला तो शायद सरकार ही डिसाइड करेगी, लोग पूछ रहे हैं व्हेन टू टेक द सेकंड डोज। देखो जो वैक्सीन कंपनी ने डिसाइड करी है वो एक अलग चीज है, और सरकार अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से जो बांट रही है वो अलग चीज है। मैंने इससे अलग से डिटेल वीडियो बनाए हुए हैं यूट्यूब पे, कि वैक्सीन वाली कंपनी अपना रिकमेंडेशन देती है कि हमने सेकेंड डोज इतने से इतने, यानी कोवैक्सीन का सेकेंड डोज 1 महीने के बाद होना चाहिए, वैक्सीन कोविशील्ड का 1 से 3 महीने, ऐसा बोला जाता है। कोविशील्ड के लिए 1 से 3 महीने के बीच में वेट कर सकते हो, कोविशील्ड की वो अच्छा। कोविशील्ड में ये देखा गया है जितना वेट करते हो उतना ज्यादा इम्यूनिटी यानी उतनी ज्यादा एंटीबॉडीज आ रहे हैं, ये ज्यादा अच्छी चीज है। इसी लेकिन फिर नहीं लगाने इज अगेन नॉट सो मच बेटर। तो एक चीज वो भी है कि आपको देखना पड़ेगा कि आप वेट करो या लगाओ, सेकेंड डोज लगनी जरूरी है। तो अगर आपको इस माहौल में वैक्सीन की जो कमी है, किल्लत है, उसमें मौका मिल रहा है तो 1 महीने बाद मिल रहा है तो लगा लो, आज मौका मिले ना मिले क्या भरोसा। बहुत सारे कंपनीज, बहुत सारी सोसाइटीज में खुद से ये वैक्सीनेशन ड्राइव्स शुरू हो रहे हैं, सो ऐसे में अगर आपको मिल रहा है तो आई थिंक डॉक्टर ने जो बताया यू कैन मेक यूज ऑफ दैट। पंकज शर्मा पूछ रहे हैं वैक्सीन क्या बॉडी की इम्यूनिटी को पहले कुछ दिन के लिए कम कर देता है? नहीं यार, इम्यून सिस्टम को थोड़ा समझो, वैक्सीन इम्यूनिटी को कुछ कम वम नहीं करता।
ठीक है, वैक्सीन इस्तेमाल करता है, ठीक है, ये वो बोलने वाली बात है कि जैसे अगर हम आपको ट्रेनिंग दे किसी चीज की कि भाई क्रिकेट मैच में अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, नेट प्रैक्टिस करने से क्या मेरी क्रिकेट खेलने की क्षमता या एनर्जी लेवल कम हो जाएगी क्या, तो नहीं होती है, ठीक है, क्रिकेट खेलने की क्षमता कम नहीं होती, एनर्जी लेवल कम नहीं होती। हाँ, आप उसी दिन क्रिकेट खेलने से पहले 2 घंटा नेट प्रैक्टिस नहीं करोगे, यू नो दैट, ए वाइज नहीं करोगे, तो इसीलिए जिस दिन हम वैक्सीन लेते हैं उसी के साथ में वायरस के एक्सपोजर में नहीं जाते, 2 हफ्ते वेट करते हैं ताकि हमारी एंटीबॉडी बन जाए, तो इट इज जस्ट लाइक नेट प्रैक्टिस, ओके। तो वैक्सीन इज नॉट डूइंग एनीथिंग टू योर इम्यून सिस्टम, वो सिर्फ आपकी इम्यून सिस्टम को प्रैक्टिस दे रहा है, इस टाइप का वायरस आएगा, इस टाइप के वायरस के लिए तैयार हो जाओ। अब वो होगा तैयार नहीं होगा, कुछ लोग तैयार हो जाएंगे, कुछ लोग नहीं तैयार होंगे, अब आपके ऊपर भी आपको वो मौका चाहिए कि नहीं चाहिए प्रैक्टिस का, क्योंकि मेरे को प्रैक्टिस नहीं मिलती, मेरे को डायरेक्ट वायरस दे दो, ऐसा लोग भी होते हैं दुनिया में। Yes. So, डॉक्टर, बहुत सारे लोगों को मैंने एक रूरल रिपोर्ट भी देखी थी जिसमें गांव के लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं कि वैक्सीनेशन से नपुंसकता या इनफर्टिलिटी हो रही है, इसीलिए बहुत सारे गांवों में जो सरकारी अधिकारी हैं उनको या मेडिकल प्रोफेशनल्स को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है टू कन्विंस पीपल कि ऐसा नहीं है। यहाँ पर अभय भी है इंस्टाग्राम पर जो पूछ रहे हैं, मैस्टर्बेशन आफ्टर वैक्सीन डज इट अफेक्ट इन और डज दिस लीड टू इनफर्टिलिटी? देखो, ये प्रॉब्लम है कि कुछ असामाजिक तत्व हैं दुनिया में जो लोग ऐसी हर चीज को कंट्रोवर्सी बना देते हैं कि वैक्सीन लगाने के लिए बोल रहे हैं तो वैक्सीन के वजह से आप बीमार हो गए, नई दवाई आई है फैबी फ्लू उसके वजह से आप बच्चे नहीं पैदा कर पाओगे, कोई और चीज आई है रेमडेसिविर आपको मार रही है, ऐसा वैसा हॉस्पिटल चले जाओगे तो गर्दन दबा के आपको मार देंगे। देखो, प्रैक्टिकल चीजें सोचा करो, जो लोग भोले भाले हैं, गांव के लोग हैं, उन लोग इन जिस चीज में फिर भरोसा कर लेते हैं कि भाई ये बोल रहा है वही हो सकता है सच हो, मैं कैसे ले रिस्क लूं। अब कई गांव में आप जाओगे तो उनको तो कोरोना का पता ही नहीं है, वो तो बस इतने कहते हैं घर में बैठे बैठे हमारे तो बड़े बुजुर्ग मर गए, घर में बैठे बैठे मर गए और बाकी यंग लोगों को खांसी वासी आई ठीक हो गई, तो उनको पता ही नहीं कि कोरोना था। मतलब अब इतना कुछ होने के बाद दुनिया में, पहले एक जमाना था जब लोग मना करते थे कि कोरोना नहीं है, कुछ भी नहीं है, बकवास है, कोई वायरस नहीं है, भाई इतनी बड़ी पैंडमिक होने के बाद, इतने लोग मरने के बाद भी अगर कोई बोलेगा कि नहीं कोरोना नहीं, तो आप क्या बोलोगे फिर? आपको पता है आप घर पे बैठे हो, आपने सब बंद कर रखा है, उसके बाद में अगर आपके पास ऐसा है कि इस वीरान दुनिया में जहाँ आपको किसी को भरोसा नहीं है, वहाँ एक मेडिकल फील्ड पे अगर कोई लग के कोई वैक्सीन बना रहा है कि इस चीज से आप बच सकते हो, आप उस पर भरोसा करोगे या फिर वो व्हाट्सएप के मैसेज पे या उस इंसान के भाई ये कोई ना कोई चाल है आपको घर से निकाल के आपको मारने की? तो ये चीज थोड़ा भोले दिमाग का, गरीब बेचारे जो भोले भोले लोग होते हैं उनकी ऐसी जैसी करते हैं वो लोग, अब उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए एजुकेशन जरूरी है ना, जो एजुकेटेड होते हैं वो इनके चक्कर में नहीं पड़ते हैं, है ना, जो लोग थोड़े से कमजोर दिमाग से होते हैं या जिनको डाउट हो जाते हैं या जिनको गलत डॉक्टर्स के पाला पड़ जाता है, गलत ठग लिया जाता है, ऐसे भी है लोग दुनिया में जो ठगते हैं, जो डॉक्टर गलत हैं, कई सारी चीजें हैं, तो हर एक का अपना एक्सपीरियंस है जो उसका माइंडसेट बनाता है, और इसीलिए हम सबका माइंडसेट नहीं चेंज कर सकते, और हम अपने तरफ से जो हमें मिल रहा है हम उसका बदल सकते हैं, इसलिए बाकी सब जो है अपने अपने किस्मत लेके आए हैं, हो सकता है वो अपने अपना मान के गलत मान के बैठे हैं इसलिए वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा, पर एटलीस्ट जो खुद को आप अपने आप को वैक्सीनेट कर सकते हैं इतना तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल, हिमांशु पूछ रहे हैं इज इट रिकमेंडेड टू टेक आरटीपीसीआर और सीआरपी टेस्ट जस्ट बिफोर द वैक्सीन? नो, बिकॉज़ इट इज इम्पोर्टेंट टू मॉनिटर योर सिम्टम, एक्चुअली आरटीपीसीआर टेस्ट बहुत रिलायबल नहीं रह गया और सीआरपी टेस्ट एक ऐसी चीज है जो बहुत वो भी वेरिएबल हो गई है,
अभी पोस्ट कोविड कई लोगों का सीआरपी बीच में ऊपर नीचे खेलता रहता है। कई मैसेज आते हैं कि सर कोविड ठीक हो गया, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गया, फिर सीआरपी बढ़ जाता है, फिर कम हो जाता है। तो सीआरपी वैल्यू इन्फ्लामेशन इज देयर इन योर बॉडी। अगर हम ये बात करें कि बॉडी में कहीं इन्फ्लामेशन है, मे बी मोटे लोगों का सीआरपी वैसे ही बढ़ा रहता है, शुगर वाले लोगों का वैसे ही बढ़ा रहता है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल वालों का वैसे ही बढ़ा रहता है, तो क्या वो अनहेल्दी लाइफस्टाइल वालों को प्रैक्टिस नहीं खिलाना, वो जाके डायरेक्ट क्रिकेट फील्ड में छोड़ देंगे, जाओ बेटा पहले डायरेक्ट खेलो, तुम्हारे को प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, तो उसको भी चाहिए। तो इट्स बेसिक थिंग कि अगर आप वैक्सीन के साइड इफेक्ट से डर रहे हैं, अगर आप एक हेल्दी बॉडी को मैदान में उतारोगे तो ज्यादा अच्छा है। मगर जब बात ऐसी आ गई है कि वो बॉल आपके घर में घुस के आपको मारेगी, ऐसी आ गई ना, अब ये तो है नहीं कि जो बाहर है उसी को मारेगी मैदान में उतर। अब तो वो ऐसा है कि वैक्सीन लगाओ नहीं लगाओ कोरोना तो आपको होगा, आपको होगा, तो लगाना ही ज्यादा बेहतर है। तो वो एक लेवल टाइम था कि चलो को सीआरपी कराओ, सीआरपी नॉर्मल लेके आओ, पहले अपना लाइफस्टाइल ठीक करो, नींद अच्छी करो, टेंशन कम करो, मोटापा कम करो, शुगर कंट्रोल करो, फिर वैक्सीन लगा। अगर अब ऐसी सिचुएशन आ गया है कि जिसको वैक्सीन मिल रही है लगा लो भाई। जी सर, आखिरी सवाल, राजेंद्र जायसवाल पूछ रहे हैं, जस्ट नाउ यू टोल्ड आफ्टर टेकिंग बोथ ऑफ वैक्सीन वी मस्ट चेक आइडली इम्यूनिटी आपकी बढ़ी है या नहीं, देन गो फॉर अदर वैक्सीन, अगर नहीं है एंटीबॉडीज नहीं बनी है तो आपको दूसरे वैक्सीन के लिए जाना चाहिए, बट आई हैव हर्ड दैट इट विल रिएक्ट विद द वैक्सीन गिवन बिफोर, इज इट ट्रू? क्या मतलब? यानी पहले अगर मान लीजिए आपने कोवैक्सीन लिया, वो अगर एंटीबॉडीज नहीं पैदा कर पाया, और अगर बाद में आपको कोविशील्ड देना पड़ गया, तो वो पहले वाले वैक्सीन के साथ क्लैश करेगा या उससे उससे तकलीफ होगी? उसमें कम से कम 1 महीने का गैप होना चाहिए। तो वो रिकमेंडेशन है कि अगर आप एक ऐसा नहीं कर सकते कि पहली डोज आपने कोविशील्ड की ली और दूसरी डोज को वैक्सीन की ली, ऐसा नहीं कर सकते, डोज अलग अलग नहीं ले सकते। लेकिन दोनों वैक्सीन लेने के बाद 1 महीना रुकने के बाद अगर आपके एंटीबॉडी नहीं बने हैं तो आप दूसरी वाली वैक्सीन का साथ से कोर्स कर सकते हो। उसके लिए 1 महीना कम से कम रुकना होता है, नॉर्मली उन्होंने 15 दिन 20 दिन का टाइम दिया है, लेकिन 1 महीना इज अ बेटर टाइम। वो आया था वैक्सीन वाले। अच्छा, तो नीरज सैनी, आपके सवाल का भी जवाब इसी में मिल गया आपको। थैंक यू सो मच डॉक्टर, प्लीज बी केयरफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द हेल्प एंड ऑल द जो भी सेवा आप कर रहे हैं। थैंक्स, बाय बाय डॉक्टर, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन।